नमस्कार बच्चों, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। एक बहुत जरूरी सूचना आप सभी के लिए है एनवीएस की वैकेंसी को लेके। और आप सभी को पता होगा कि पिछले एक महीने से एनवीएस के फॉर्म भरे जा रहे हैं और आपके दिमाग में लगातार चल रहा है कि इसकी एग्जाम डेट कब आ सकती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि आ चुकी है और जो है आपकी 30 अप्रैल। जी हाँ, जो बच्चे अभी भी फॉर्म नहीं भर पाए हैं कृपया करके फॉर्म भर लीजिए। बहुत अच्छी वैकेंसीज है, जेएससी कैडर में है, आपका लैब अटेंडेंट कैडर में है, देखा जाए तो आपका एमटीएस में है, जेटीओ में है और आपका मेस हेल्पर में है। बहुत अच्छे अच्छे पद है, इसके अतिरिक्त भी कई सारे पद है जिसके लिए आप इनमें आवेदन कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ईएमआरएस की भर्ती कब तक आएगी, एग्जाम डेट क्या है और सिलेबस एनवीएस जारी नहीं करता है, जिनके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो आपको थोड़ा सा जानना यहाँ पे जरूरी है। एक ही करके समझेंगे, बहुत कम समय में 2-3 मिनट में आने वाले आपको सब कुछ समझ जाओगे कि आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट देखा जाए तो एप्लीकेशन आपका 22 तारीख से स्टार्ट हुआ था और लास्ट डेट जो आपका है वो 30/4/2024 मतलब भी कल का डेट है। आपके पास 24 से 28 घंटे और हैं और अंतिम समय में जैसे कि आपको पता होता है कि वेबसाइट क्या होती है, बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखाना चाहूंगा, तो ये आपकी वेबसाइट है जहां पे आपको फॉर्म भर सकते हो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर, बट ये वेबसाइट काफी स्लो हो चुकी है। आप यहां पे देखोगे तो कई बार ये क्या करता है, रिलोड करना पड़ता है, बट अगर आप कोई और पेज देखोगे तो वो पेज जल्दी ओपन हो जाता है। यहां पे आपको वही कई बार ओपन करना होता है। अगर आप एनवीएस की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके जब आप कहां पे जाओगे फिलअप ऑनलाइन फॉर्म में जाओगे तो ये आपका एनटीए यही वाला ओपन करेगा और ये ओपन करने के बाद जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एनटीए की वेबसाइट पे लेके जाएगा जो आपका एनटीए नेशनल है जहां से आप आवेदन कर सकते हो। बट ये वेबसाइट काफी स्लो हो चुकी है अभी लास्ट टाइम में, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो साइट कांट बी रीच्ड और ये समस्या बहुत सारे बच्चों के साथ हो रही है, जिसके लिए मैं आपको इतना बोलना चाहूंगा कि बार बार ट्राई करते रहो। बार बार ट्राई करने पर कोई ना कोई क्या होता है, कई बार लिंक ओपन हो जाती है तो आपको वो जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है वो दिक्कत नहीं होगी। अभी भी अंतिम टाइम में बता रहा हूं कि हॉट स्पॉट में जल्दबाजी में कई सारे बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, एक ही फॉर्म में आपको सारे पोस्ट को चूज करना है जिसके जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो, तो सारे एक साथ टिक लगा लीजिएगा, सबका फॉर्म एक साथ सबमिट हो जाएगा, अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है वरना आपके फॉर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल भी हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आपसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे कि सर इसकी तैयारी कहां से करें, तो मैं आपको पहले बता दूं कि इसकी तैयारी के लिए टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतरीन कोर्स आपका चला चुकी है और वो कोर्स आपका जेएससी और लैब अटेंडेंट का एनवीएस का चला रही है। ये आप कहां से प्राप्त कर सकते हो, ये आप हमारे परीक्षा प्लस ऐप से जाके जुड़ सकते हो और ये परीक्षा प्लस ऐप आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके ये वो ऐप है जिसे आप क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आप हमारी वेबसाइट live.parikshaplus.org से भी जाके क्या कर सकते हो, यहाँ पे जुड़ सकते हो। इस कोर्स में आपको ये तमाम किताबें मिल रही हैं, चाहे वो लैब अटेंडेंट की हो, चाहे आप यहाँ पे जेएससी की देख सकते हो। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा है कि सर एनबीएस जो है वो सिलेबस तो जारी नहीं करता है, तो सिलेबस क्या होगा, हम क्या पढ़े, क्या तैयारी करें। एक चीज मैं आपको बता दूं कि एनबीएस का जो सिलेबस है वो लगभग लगभग आपके ईएमआरएस की तरह ही है, आप उसको देख के तैयारी कर सकते हो। जो सिलेबस मैं आपको यहाँ पे सामने दिखा दिया हूं, पैटर्न अगर आप देखोगे तो चाहे आप ईएमआरएस का पैटर्न देखोगे चाहे आप एनबीएस का पैटर्न देखोगे, दोनों सेम है। जैसे लैब अटेंडेंट का पैटर्न यही आपका किसका है, यही आपका एनबीएस का है और यही आपका ईएमआरएस का भी है। ये आपकी वैकेंसी है जैसे कि आपकी इसकी वैकेंसी है लैब अटेंडेंट की, यहीं पे अगर आप देखोगे तो ये जेएससी का एग्जाम पैटर्न है, यही ईएमआरएस का भी एग्जाम पैटर्न है। तो आपके पास ईएमआरएस की भी जो वैकेंसीज है बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, ये भी आपका जून से लेके जुलाई की फर्स्ट वीक तक आपकी ईएमआरएस की वैकेंसी आ जानी है, चाहे वार्डन हो, चाहे जेएससी हो, चाहे लैब अटेंडेंट हो या फिर अन्य कोई पद हो, सारे के सारे आपके ईएमआरएस में वैकेंसी आ रही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एक तीर दो निशाना, आप लोग एक ही तैयारी में तैयारी करते चलो, ये इतना अच्छा बेहतरीन मौका शायद दोबारा आपको मिले ना, और फिर आपको इसके लिए क्या करना रहेगा, पछताना रहेगा। ये आपका सिलेबस है जीएसटी के लिए जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके इत्मीनान से देख सकते हो। और अगर बात किया जाए लैब अटेंडेंट का, तो लैब अटेंडेंट में मैथ्स नहीं पूछेगा और इसमें कंप्यूटर नहीं पूछेगा, इसकी जगह पे आपका क्या पूछेगा, इसकी जगह पे आपका 60 नंबर का साइंस पूछेगा। तो आप क्या कर सकते हो, साइंस यहाँ पे साइंस आपको अतिरिक्त पढ़ना पड़ेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको मैथ्स और आपका कंप्यूटर नहीं पूछा जाएगा। साइंस की क्लासेस आपकी बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ रहे हैं, सर इसमें लैब मैनुअल भी पूछा जाएगा, एनवीएस में लैब मैनुअल बहुत कम पूछा जाता है, मैंने आपको प्रीवियस सॉल्यूशन भी करवाया है,
आप परीक्षा प्लस के यूट्यूब चैनल पे जाके उसका प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन बहुत बेहतरीन तरीके से देख भी सकते हो, जिसको और इसका मैंने एक फ्री 5 बजे डेली 5 बजे परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे 5 बजे निशुल्क आपका प्रैक्टिस जो सेशन है जो मुझसे हो सकता है वो मैंने आपका यहाँ पे ले आया है। तो वहां पे आप इसे डेली 5 बजे साइंस की क्लासेस आप क्या कर सकते हो देख सकते हो। वो आपके रेलवे के लिए, EMRS के लिए, NVS के लिए, सबके लिए उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आप देख लो, तीनों का लोगो इसलिए मैंने लगा के रखा है। तो ये आपकी क्लासेस है, अभी आपको रेलवे के थंबनेल से मिलेगी, बट 5 बजे जो क्लास चलती है वो क्लास आपके लिए क्या होगी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे अन्य भी आपके जो बाकी चीजें हैं आपको मैं कोर्स में बता दूं, बहुत सारे बच्चे कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि क्या क्या मिलने वाला है आपको कोर्स में, वो आप देखते चलो। जो कोर्स है परीक्षा प्लस ने लॉन्च किया उसमें ये टीम आपको पढ़ा रही है, जैसे लैब अटेंडेंट में आपको साइंस का मैं आपको क्वेश्चन करा ही रहा हूं, थ्योरी आपको नवीन सर करवा रहे हैं, ठीक है, नवीन सर आपको थ्योरी करा रहे हैं, तो जैसे मैं आपको पूरा मैथ्स कवर करवा रहा हूं, रीजनिंग और कंप्यूटर आपको आशीष सर पढ़ा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस आपको रमन सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश आपको सर्वेश सर पढ़ा रहे हैं, हिंदी आपको क्या अरुण सर पढ़ा रहे हैं, और ऐसे तमाम सारे फैकल्टीज मिलकर आपका ये पूरा का पूरा कोर्स बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं, जिसकी ये टाइम टेबल है। इसमें जो हिंदी वाली टाइम टेबल है ये क्योंकि 5 बजे मैं आपकी प्रैक्टिस क्लास यूट्यूब पे लेता हूं, अब ये शिफ्ट होकर 3:30 से 4:30 हो गई है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही अगर आपका जेएससी का टाइम टेबल है ये भी शिफ्ट होकर 3:30 से 4:30 हो गया है, बाकी सारी टाइमिंग आपकी वही है। ये आप कोर्स से जुड़ सकते हो और ये तमाम चीजें आपको कोर्स में मिलने वाली हैं, चाहे हम किताबों की बात करें, चाहे हम रिकॉर्डेड मेरे लेक्चर्स की बात करें, टाइम टेबल आपको, सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। लाइव पे लाइव क्लासेस चलती है, रिकॉर्डेड पे रिकॉर्ड। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम तो बहुत लेट हो गए हैं, क्या हमारा तैयारी हो पाएगा? जैसे एग्जाम डेट की बात आती है तो एग्जाम डेट में आपसे बार बार बोलता हूँ कि जून जुलाई में आपका एग्जाम हो जाना है और लगभग 99.99% हो भी जाना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो फिर लगता है कि सर हमारे पास केवल मई बचा हुआ है, मई का महीना है, अप्रैल में थोड़े बहुत दिन, अप्रैल में बचा है कितना, मई और जून में जितना मिल जाए इतने दिन में क्या हो पाएगा? तो बेटा देखो, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, और अगर आप थोड़ा देर किए तो जाहिर सी बात है उन बच्चों से पीछे हो, बट मैं सीधा यही बोलता हूं कि इच्छा शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं होती है। अगर ज्यादा मेहनत करते हो तो आप बराबर आ सकते हो, बट आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा, और कंसाइज वे में आपको बहुत ज्यादा बिना भटके हुए मेहनत चाहते हो तो टीम परीक्षा प्लस से जुड़ सकते हो। बाकी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो फॉर्म भरने से लेकर या कोई भी आपका दिमाग में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लीजिए, आपके एक एक प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं पूरा कोशिश करूंगा और एक ही बार में देने का प्रयास करूंगा, ताकि आपके प्रश्न से आपके अन्य जो छोटे भाई हैं उनकी भी मदद मिल जाए। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।